नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को भारत के बाहर भी कई नेताओं का समर्थन मिल चुका है। यूके, कनाडा और अमेरिका के इन नेताओं ने किसानों का समर्थन किया है और प्रदर्शन से निपटने के तरीके को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। इन नेताओं में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का नाम सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसानों के जरिए प्रदर्शन के बारे में भारत से आ रही खबरों पर ध्यान देना शुरू नहीं करता तो बेपरवाह होता। स्थिति चिंताजनक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। हमने अपनी चिंताओं को दर्शाने के लिए कई जरियों से भारतीय अथॉरिटीज से संपर्क किया है। यूके के लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह धेसी ने किसानों को पीटे जाने का जिक्र करते हुए ट्वीट कर कहा कि मैं हमारे परिवार और दोस्तों समेत पंजाब और भारत के दूसरे हिस्सों के किसानों के साथ खड़ा हूं, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेबर पार्टी के ही सांसद जॉन मैकडॉनल्ड ने कहा कि मैं तनमनजीत सिंह धेसी से सहमत हूं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह का दमनकारी व्यवहार अस्वीकार है और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। लेबर पार्टी की सांसद प्रीत कौर गिल ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली से चौंकाने वाले दृश्य, किसान शांतिपूर्वक विवादास्पद बिलों का विरोध कर रहे हैं जो उनकी आजीविका को प्रभावित करेंगे। उन्हें चुप कराने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कनाडा के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ जगमीत सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार के जरिए शांतिपूर्वक विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ हिंसा करना भयावह है। मैं पंजाब और भारत भर के किसानों के साथ खड़ा हूं और मैं भारतीय सरकार से हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से जुड़ने का आह्वान करता हूं। इसके अलावा सेंट जॉन्स ईस्ट से सांसद जैक हैरिस ने ट्वीट पर लिखा, नए कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भारत सरकार के दमन को देखकर हम हैरान हैं। इनसे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाए। भारत सरकार को वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बजाय किसानों के साथ खुले तौर पर बातचीत करनी चाहिए। वहीं ऑन्टेरियो असेंबली में विपक्ष की नेता एंड्रिया होरवात ने ट्वीट कर कहा है कि मैं भारत में किसानों के साथ खड़ी हूं जो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां ऑन्टेरियो में उनके प्रियजनों के जो डरावनी हिंसा को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर किसी को स्टेट की हिंसा के डर के बिना अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा ऑन्टेरियो प्रोविजियल पार्लियामेंट में बैम्पटन ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले गुररतन सिंह ने सदन में ही किसानों के प्रदर्शन पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत में किसानों पर हमला हो रहा है, इसलिए मैं इस सदन को भारत सरकार के जरिए लाए गए इन अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ खड़ा होने के लिए कह रहा हूँ। बैम्पटन सेंटर से एमपी सारा सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि पंजाब के एक किसान की ग्रैंड डॉटर के तौर पर मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ जो अपनी आजीविका को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं और नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील और रिपब्लिकन पार्टी ऑफिशियल के हरमीत ढिल्लो ने ट्वीट कर कहा है कि भारत सरकार के कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हमला देखकर उनका दिल टूट जाता है। उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि वो किसानों को सुने और उनसे मुलाकात करें। विदेशी नेताओं की प्रतिक्रियाओं से जाहिर है कि किसानों के इस आंदोलन पर अब दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। देखना होगा कि मोदी सरकार अब इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए क्या कदम उठाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।